तो हेलो गेमर्स, आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, हमेशा बढ़िया रहोगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फ्री फायर की सेटिंग के बारे में। अगर आपके पास कम रैम वाला फ़ोन है तो आप फ्री फायर की सेटिंग किस प्रकार से रख सकते हो जिससे आपका फ़ोन लैग और हैंग वगैरह नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, फ्री फायर की प्रो सेटिंग और जो 1 GB के हिसाब से मैं सेटिंग बताऊंगा। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है, सर फ्री फायर लैग हो रहा है। तो यार, जैसा कि आपको पता है कि इसमें न्यू अपडेट आ चुका है, वो भी 20, तो यार 10-12 दिन तक अभी तो ऐसा ही रहेगा। फिर जो फ्री फायर वाले लैग फिक्स वाला अपडेट लेके आएंगे 5-6 MB वाला, जिससे आपकी लैग फिक्स दूर हो जाएगी। अभी चिंता मत करो, अभी लैग होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरा भी 1 GB रैम वाला फ़ोन है और मैं 1 GB रैम वाले फ़ोन में खेलता हूँ, मेरा बिल्कुल भी लैग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी प्रो सेटिंग के बारे में बताऊंगा और मैं 1 GB में किस प्रकार से सेटिंग से खेलता हूं जिससे मेरा गेम लैग नहीं होता, और मैं अपने सारे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर वॉच करना। अगर वीडियो को मिस करते हो तो यार आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी की। हाँ फ्रेंड, जो सेंसिटिविटी आपके जो गेम में बहुत मैटर करती है, आप देख सकते हो मेरी सेंसिटिविटी, आप देख सकते हो जो जर्नल है वो आपको 100 रखनी है, रेड डॉट को आपको 96 रखना है 96, और 2x स्कोप को आपको 94, और 4s स्कोप को आपको रखना है 95, और AWM स्कोप को 94। ये आपको मस्ट करना है, क्योंकि जो जर्नल फुल रहेगी तो छोटी मोटी लैग आपको महसूस नहीं होगी। तो आप भी इसी जो सेंसिटिविटी को कर लेना। अब हम बढ़ते हैं कंट्रोल की तरफ। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल को भी आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है, क्योंकि यार जो आप अपने हिसाब से सेट करोगे उसी में आपको खेलने में आसानी होगी। तो कंट्रोल्स को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कस्टम HUD की। तो फ्रेंड्स, कस्टम HUD को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, क्योंकि जिस कस्टम HUD से आप खेलते हो वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे ऑटो पिकअप के बारे में। बहुत से बंदे क्या होते हैं कि 1 GB रैम वाले फ़ोन में ऑटो पिकअप के ऑप्शन होते हैं, वो सारे ऑप्शन को वो ऑन कर लेते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि हमारा फ़ोन कितना रैम का है और कितना छोटा मोबाइल है। तो सबसे पहले आप ऑटो पिकअप के जो सारे हैं उनको ऑप्शनों को आपको ऑफ कर देना, अगर आपका मोबाइल 1 GB है। अगर 2 GB है तो ऑन कर सकते हो, लेकिन मेरी राय है कि आप ऑटो पिकअप वाले ऑप्शन को भी आप ऑफ रखना, जिससे क्या होता है कि आपके गेम पर जब आप जाते हो किसी सामान को लूटने तो ये लैग नहीं होगा। तो जो ऑटो पिकअप वाले ऑप्शन हैं उनको भी आपको ऑफ कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं साउंड की। तो साउंड है वो गेम में बहुत मैटर करता है। देखिए, सबसे पहले आपको म्यूजिक है उसको बिल्कुल ऑफ कर देना है। म्यूजिक के बाद जो साउंड इफेक्ट हैं उनको आपको 50% तक या 50 लेवल तक आपको रखना है, और वॉइस को आपको 26 टू 28 तक आप रख सकते हो, 26 टू 28 तक, और जो साउंड इफेक्ट है वो आपको 47 तक ही रखना है। क्योंकि यार जब जितना आप साउंड इफेक्ट आपका कम होगा उतना ही आपका गेम बहुत कम लैग होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सबसे मेन ग्राफिक्स की सेटिंग पर। जो आपकी ग्राफिक्स की सेटिंग है वो आपको स्मूथ पर ही रखनी है, चाहे आपका फ़ोन 1 GB हो चाहे 2 GB हो, आपको स्मूथ पर ही खेलना है। अगर आप स्टैंडर्ड पर खेलते हो तो यह लैग कर सकता है। अगर आपका फ़ोन थोड़ी लो रैम है तो हमेशा यार आप स्मूथ पर ही खेला कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ सेटिंग जिनके माध्यम से आप अपने जो लैग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो और गेमिंग एक्सपीरियंस आपको डेवलप हो जाएगा इससे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को समझ गए होंगे। और बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। तो यार, तुम 1-2 दिन वेट कीजिए, मैं लैग की वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूँगा और जिसके माध्यम से आप बिल्कुल लैग फिक्स दूर कर लोगे। तो फ्रेंड्स, लैग दूर करने के लिए वीडियो आ जाएगी, इसलिए मैं कहूँगा आप जो वेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जो वीडियो है वो आने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लो, और जो भी बंदा मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो,
और जो मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ शेयर कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन दे दूँगा। तो फ्रेंड्स आप टेंशन न लो, वीडियो एक दो दिन में आने वाली है लैब फिक्स की। तो बस यार अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।